आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। कोई प्रेसिडेंट आ जाए कश्मीर अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीज आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? खान साहब ने आज तक जिस माफिया को हाथ डाला उस माफिया की लॉटरी निकल आई है। अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे परिचर्या का कुछ अंश सुना। इसमें पाकिस्तान के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनमें से दो प्रभावी लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। इन लोगों का मानना है कि भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनकी भी पहुंच बहुत गहरी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या जो बिडेन अगले चुनाव में जीत कर प्रेसिडेंट बने, भारत के समर्थन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका भारत को आज जैसा ही भरपूर समर्थन देता रहेगा क्योंकि भारत की साख ही कुछ ऐसी है। आइए चर्चा को आगे सुनते हैं। सारे तारा साहब आपकी तरफ चलते हैं, अब ये बताएं सदर ट्रंप का अब क्या किधर वो स्टैंड करते हैं? कश्मीर पे उनकी कोई खास खुल के पॉलिसी नहीं आई, पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई खुल के सपोर्ट में आते हैं ना कोई खुल के दुश्मनी, ठीक है जी बैलेंस रखते हैं, अब इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? अब मैं छोटे से उसमें बताऊंगा कश्मीर के लेवल पे, इसका डोनाल्ड ट्रंप का चूरन नहीं बेचूंगा बिल्कुल। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जो बाइडन आ जाए प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट आ जाए कश्मीर अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीजन मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका के कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं वर्सेस हमारी। आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया, मुझे खत्म कर दे। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? ताहिर जावेद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर आपने सारी तारा साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो नसाद लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को के सीईओज हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है इंडिया की लॉबी? जो इंडियन लॉबी है एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर इन दिस कंट्री एंड दे हैव वेरी टॉप नॉच लॉबीस्ट, दे हैव देयर ओन पीपल इलेक्टेड सेनेट के अंदर गवर्नर्स। आई 101% अग्रीड विद साजिद तारर साहब के इंडियंस आर वे वे अहेड ऑफ अस। हम कम अज कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम अज कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। लेकिन ये जो कोताही है ना ये अकेली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर नहीं है, अगर आप इसको जाकर के रिपब्लिकन में भी देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कोई इतनी खास अचीवमेंट्स, हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना हम रिएक्टिव हैं, इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना, ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं वो पहले कर सकते हैं। वो आज भी मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं, हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडन ने हायर किया, कहते व्हाट इज आवर पोजीशन। भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते, हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा 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 कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये लोग हैं। अगर अमरीका
चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना, अमरीका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने भी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल होकर, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे। देखिए आप, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा आपको, पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके जेहन, और कुछ भी नहीं। अमेरिका में एक बाई लॉ, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं बताऊंगा अमेरिका का एक लॉ है कि वो किकबैक्स नहीं देते, उनके कॉन्ट्रैक्टर किकबैक्स नहीं दे सकते। और आपके सारे पिछले जो पिछली गवर्नमेंट्स के जितने रुझान था चाइना और तुर्की की तरफ था, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहां से किकबैक मिलती थी। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को, आपने सड़क बनानी होती है वो भी चाइना को बुला देते हैं, आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं, इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका को अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है ना चाइना कुछ कर सकता है। जब तक आपके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप के दिमाग से लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पर पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता वहां पे, आपको कल्चर बदलना पड़ेगा, आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है, आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। आपके पाकिस्तान में अमेरिकन जो कंटेनर्स के हिसाब से डॉलर देते रहे तो वो कहां गए हैं सारे, वो सारे न्यूयॉर्क आ गए हैं, वो सारे दुबई चले गए हैं, वो सारे न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो आप, और तीसरी बात मुझे आप तक भूलती नहीं बात, मैं छोटा सा आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे बदामी साहब हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया व्हाइट हाउस के सामने जब 2016 में, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ताड़ साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। मैंने जवाब पता कह दिया था, वो क्यों करेंगे, वो तो अमेरिका प्रेसिडेंट बनेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कुछ। आपको हालात इस वक्त पेट्रोल के, चीनी के और आटे के पता क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है, इसमें क्या करेगा जब आपकी इंटरनल विल ही नहीं है। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ तो भाग गया पैसे लेके, दवाई लेने गया था, जहांगीर तीर की बात क्यों नहीं हो रही वहां पे। ठीक है जी, जवाब आ गया जी। अच्छा, रिकमेंड करेंगे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है इमरान खान साहब के आने के बाद, क्योंकि उम्मीद बहुत थी कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आप शामिल थे, इमरान खान साहब आए थे अमेरिका और उनकी जो इतनी बड़ी रैली हुई थी उसमें आप दोनों हजरात बल्कि शामिल थे, तो सर बताइए कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, आपने जो खान साहब को एक घोष गुजार जो बातें की हैं उसमें चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखें, इसको भी आप थोड़ा पीछे ले गए, मैं अगेन वन मोर टाइम तारड़ साहब ने जो बात की है ना, जो इंडिया का भी आप मामला कर रहे थे कि इतनी वो कॉर्पोरेट अमेरिका के अंदर वो लोग मौजूद हैं, तो बेसिकली हमारे यहाँ आज की डेट के अंदर किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो लेवरेज क्रिएट होता है ना, वो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर, चाइना के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप इतने सालों से जो बनते आ रहे हैं, और इस वक्त तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर का आपने खोल के हाथ में दरवाजे खोले चाइना को कर दिया, बेसिकली चाइनीज आर एवरीवेयर। तो आपने जो उम्मीदें लगाई थी खान साहब से, सर आप भी मिलते भी रहे, आप मुझे बताइए वो कितनी मौसर साबित हुई। खान साहब ने आज तक जिस माफिया को हाथ डाला उस माफिया की लॉटरी निकल आई है सर, पेट्रोल के माफिया की लॉटरी निकली अभी लेटली सर, डाका चीनी अभी कम हुई प्राइस चीनी की, देखें चेक करें आप, आटा मुलक जरा ही मुलक है सर, आप तो आटा इंपोर्ट कर रहे हैं आप डॉलर 170 का नहीं भी सबने, मेरी थोड़ी सी बात साथ कर जी। सर मेरा मुलक, मैम मेरी एक मादरे मिलत है सर, मादरे मिलत, ये किस, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, जो वजीर जिन वजीरों को चार्ज शीट दी गई हो और वो खुद ही अपनी चार्ज शीट कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के देख रहे हैं, इसको आप गवर्नेंस कहेंगे आप? सर ये तो कमाल ही हो गया, ये तो आप तो वो आदमी है जो कि इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर थे। सर मेरे जैसा बंदा सुबह शाम पाकिस्तान के लिए खून के आंसू रो रहा है सर, मुझे आप अब मुझे सर सारी छोटे नदीम जोसेफ जिसको मारा गया है पिशावर में सिर्फ क्रिश्चियन होने के लिए, उसको इंसाफ किसने देना है? खान साहब ने साहिवाल के वाकये का इंसाफ दिया किसी को?
खान साहब कमीशन बना देते हैं और कमीशन बनाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि उस बात को पुश अंडर द रग। मैंने सिर्फ जो आपको एक बात बताई है कि जिन वुजरा के ऊपर चार शीट्स हैं वो अपने खुद ही चार शीट को देख रहे हैं कैबिनेट में बैठ के। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब आप दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब आपकी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन सके या माइनस वन फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन सके। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी दुनिया में हो सके। ये हकीकत है, मुझे यू प्रूव मी रॉन्ग। अब इन चीजों के बाद आपके कश्मीर के इशू के ऊपर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि आपने खुद कश्मीर इशू को अबैंडन कर दिया है, आपके मीडिया ने अबैंडन कर दिया है। शीशे के घर में बैठ के तनकीद करना अमेरिका के जवानों में एयर कंडीशन हालों में, इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर की तरह 15,000 से 20,000 है। मुझे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना की रियासत में बैठ के उसका बजट बना के दिखाएं जबकि डॉलर 170 का है। आपने जो परचर्या में सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि जो भारतीय विदेश में भी रहते हैं वो भी अपने देश के लिए उतना ही मोहब्बत रखते हैं जितना हम रखते हैं। अपने कार्य से, प्रतिभा से, एकजुटता से उन लोगों ने अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है जिसे उनकी बात वहाँ की राजनीति में भी सुनी जाती है, इसलिए वे राजनीति में अपना प्रभाव डाल पाते हैं। हमें इन प्रवासी भारतीयों पर गर्व है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो कोई डाला जाए इसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।